गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 4 पढ़ेंगे। जो कविता है और उसका शीर्षक है छापा, इसके रचयिता ओम प्रकाश आदित्य जी हैं। कवि परिचय। कवि ओम प्रकाश आदित्य जी का जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। इनकी मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। परिचय। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे। प्रमुख कृतियां इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। कविता में एक कवि के घर पर छापा मारने आए आयकर विभाग के अधिकारियों पर व्यंग्य है। एक साहित्यकार या कवि के घर पर छापा मारने आए अधिकारियों के हाथ कुछ नहीं लगता। छापा मारने वाले अधिकारी और कवि के बीच जो संवाद है वह हास्य उत्पन्न करता है। आइए कविता आरंभ करते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। कवि के घर पर आयकर विभाग का बहुत बड़ा छापा पड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? आयकर विभाग के कई अधिकारी घर पे आए और घर पे आते ही उन्होंने कवि से पूछा कि सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। कवि ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, सोना मेरी आंखों में है क्योंकि कई रातों से मैं ठीक से सोया नहीं हूं। वे रोष में आकर बोले, वे गुस्से में आग बबूला होकर बोलते हैं, स्वर्ण दो स्वर्ण। यहाँ आयकर विभाग वाले स्वर्ण यानी सोना गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं और कवि अपने नींद के बारे में उत्तर दे रहा है कि मैं रातों में सोया नहीं हूं। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? कवि ने भी जोश में आकर कहा, स्वर्ण यानी सुंदर अक्षर सुंदर वर्ण मैंने अपने काव्यों में कविताओं में बिखेरे हैं, उन्हें मैं तुम्हें कैसे दे दूं? वे झुंझलाकर कहते हैं, तुम समझे नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। आयकर विभाग वाले बताते हैं, अधिकारी बोलते हैं कि हमें तुम्हारा गैर कानूनी तरीके से कमाया हुआ अर्जित यानी कमाया हुआ अर्थ अर्थात धन, तुम्हारा गैर कानूनी तरीके से अपना कमाया हुआ धन चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। कवि कहते हैं कि अर्थ तुम्हें मेरी नई कविताओं में नए मिल जाएंगे और अगर तुम्हें मिले तो उन्हें ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, पूछे, चांदी कहाँ है? चांदी सिल्वर। मैं भड़क कर बोला, कवि भी भड़क जाता है और बोलता है, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, चांदी मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, अर्थात मेरे बाल धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं जो चांदी की तरह चमक रहे हैं। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? आयकर विभाग वाले थोड़े भ्रम में पड़ गए और उन्होंने फिर पूछा कि तुम्हारे नोट कहाँ हैं? नोट यहाँ रुपए के लिए आया हुआ है कि तुम्हारे रुपए कहाँ है, नोट कहाँ है।
परीक्षा से एक महीने पहले करूंगा तैयार। कवि उत्तर देता है कि परीक्षा आने से पहले एक महीने पहले मैं नोट तैयार करूंगा। वे गरज कर उन्होंने फिर कहा, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। आयकर विभाग वाले बताते हैं कि हमारा मतलब तुम्हारे मुद्राओं से है, तुम्हारे रुपए पैसे से है, धन से है। मैं लरज कर बोला। कवि लरज कर कहता है कि मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। कवि कहता है कि मेरे मुख पर आप भिन्न भिन्न मुद्राएं हैं, आप देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। वे थोड़ी देर खड़े रहे और कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। उसके बाद सीधा वो शयन कक्ष में चले गए। शयन कक्ष सोने का कमरा, और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। शयन कक्ष में जाकर वे तकिए फाड़ने लगे, रुई निकालने लगे और टूटी अलमारी को भी टटोलने लगे, छानबीन करने लगे। रसोई की खाली पीपियों को टटोला, पीपियो यानी खाली डिब्बा। रसोई घर में जाकर उन्होंने खाली खाली डिब्बों को भी टटोला। बच्चों की गुल्लक तक देख डाले, यहाँ तक कि बच्चों की गुल्लक को भी नहीं छोड़ा, उसको भी उन्होंने टटोला। पर सब में मिला एक ही तत्व खाली, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इतना सब कुछ टटोलने के बाद भी उनके हाथ खाली ही रहते हैं। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। आयकर विभाग वालों ने, अधिकारियों ने कवि के घर के कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, टटोला, हर जगह उन्हें खालीपन मिला। कुछ भी गैर कानूनी धन संपत्ति नहीं मिली। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। कवि के घर का खाली जंगल देखकर उनका चेहरा मुरझा गया और उनके बीस सूची हृदय में, बच्चों यहाँ अरण्य का अर्थ जंगल होता है, और उनके बीस सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया, और उनके बीस सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया, अर्थात उनके मन के अंदर दया आ गई, करुणा आ गई। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। वे बोले कि मुझे माफ करिए, हमें माफ करिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। कवि के घर की पूरी तरह से छानबीन करने के बावजूद कुछ भी न मिलने पर आयकर विभाग के अधिकारी कवि से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछता भी रहे थे। सिर झुकाकर वापस जाने लगे। अंत में वे अपना सिर झुका करके वापस जाने लगे तो मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। तो कवि ने उन्हें जाने से रोका और कहा, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। आप अब अपना सिर मत धुनिए, मैं जो कह रहा हूँ उस बात की ओर ध्यान दीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। कवि कहता है, यदि आपको मेरे घर पर अधिक धन मिलता या गैर कानूनी धन संपत्ति मिलती तो आप ले जाते। तो अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। कवि कहता है, लेकिन आप लोगों को मेरे घर पर कुछ भी नहीं मिला, इसलिए आप लोग अब मुझे कुछ ना कुछ तो देकर जाइए। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। कहते आए कवि कि जिनके घर में सोने चांदी के पलंग एवं सोफे होते हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। लेकिन जिनके घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं है उनके यहाँ
कम से कम एक तख्ता तो डलवा दीजिए। स्वाध्याय शब्द संसार, रोष गुस्सा, अर्जित कमाया हुआ, अर्थ पैसा या धन, कनस्तर टीन का पीपा, तख्त लकड़ी की बड़ी चौकी। उपयोजित लेखन में आपको विज्ञापन तैयार करना है। निम्न मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री, पुस्तकों के प्रकार, स्थल यानी जगह, विशेषता क्या है, तिथि समय कौन सी डेट है और समय टाइम क्या है। सूचना के अनुसार तिथियां कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए, वे वस्तुएं खाली थी। क्वेश्चन नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए, कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव, शयन कक्ष में पाई गई चीजें। क्वेश्चन नंबर 3, कविता के आधार पर जोड़ियां मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। क्वेश्चन नंबर 6, सोना चांदी अर्थ और मुद्रा, इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, कर जमा करना देश के विकास को गति देता है, विषय पर अपने विचार लिखिए। धन्यवाद।